हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई फिर से स्वागत है आप सभी का टेक गेमिंग चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पिछली बार जो वेगस सिटी है उसके मेयर को मार डाला था। तो भाई उसको हमें मारने के लिए कैरिन ने कहा था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा था और भाई फ्रैंक और उस दोनों की दोस्ती थी। तो भाई कैरिन के हिसाब से हमने उसको मार भी दिया, और भाई जो डेविल है हाँ उसको भी उसे मारना ही था, बिकॉज डेविल ने उसे एबिलिटी दे रखी थी। तो यार अभी मुझे फिर जाना है कैरिन से मिलने के लिए, पर एक बार मेरी हालत देख लो यार, कैसी हो रखी है। बिल्कुल बियर्ड वियर्ड ख़तरनाक सी हो रखी है। तो अभी मुझे जाना है, बियर्ड वियर्ड थोड़ी सेट वेट करवाते हैं और भाई अपनी थोड़ी सी हेयर वेयर को ट्रिम व्रिम करवाते हैं, बिकॉज अपनी हालत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और मिलना भाई कैरिन से है। कैरिन से मिलने से पहले मैं सारी चीज़ें बिल्कुल सेट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा लगे उसके सामने। क्योंकि भाई समझ जाओ यार, अब समझ रहे हो? समझ तो रहे चलो पहले तो भाई रखी अपनी दो जी वैगन, सॉरी जी वैगन नहीं है, डिफेंडर है यार, मुझे अब पता चला। तो अभी अपनी ये वाली गाड़ी उठाते हैं और इससे चलते हैं हम लोग, बिकॉज डिफेंडर लेके जाएंगे। थोड़ी तो माफिया वाली लुक आई है, पर अभी मुझे माफिया वाली लुक नहीं चाहिए। क्या पता भाई मुझे इस तरीके से देख के वो हेयर पार्लर वाला ही भाग जाए। तो अभी मुझे उसको भगाना नहीं है, बिकॉज अभी हो रही है रात, और भाई मुझे रात को हो सकता है सारे पार्लर बंद हो चुके हों, बट हो सकता है कोई खुला मिल भी जाए। तो अभी मुझे पता है एक जगह जहाँ पर ये है पार्लर, तो मैं वहाँ जाता हूँ और भाई अपनी थोड़ी सी एक कटिंग वटिंग करवाते हैं यार। थोड़ा अच्छा सा बंदा बनते हैं, शरीफ सा। तो शरीफ तो बनना नहीं है मुझे भाई, है हम गैंगस्टर वेगा सिटी के तो है, पर कैरिन से मिलना है तो थोड़ा सा अच्छा सा हो जाता है रेडी। तो अभी मैं जाता हूँ सीधी उस शॉप पे, बार्बर शॉप पे, और भाई वहाँ जाके अपना लुक थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं भाई कैरन से। तो अभी मैं पहुंचता हूं जल्दी से वहां पे। ओके गाइस, तो अभी मैं यहां पे आ चुका हूं और मैंने भाई पहली बार अपनी गाड़ी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पार्क कर दी है। और अभी मैं जल्दी से जाता हूं बार्बर शॉप पे, और भाई वो पास में ही है तो मैं वहां से करवा के आता हूं भाई सारी ट्रिम व्रिम। ओके गाइस, तो अभी मैं वापस आ चुका हूं और भाई देख सकते हो आप, बिल्कुल टकला ही कर दिया भाई उसने। पर ठीक है यार, अभी मुझे यही लुक अच्छा लगा तो मैं यही करवा के आ गया, बिकॉज बाकी तो मुझे कुछ जम नहीं रहा था। थोड़ा सा यही लुक अच्छा लगता है अपने यार, तो अभी मैं ये करवा लिया। और भाई अभी जल्दी से बैठते हैं अपनी गाड़ी में और निकलते हैं घर के लिए, बिकॉज सुबह भी होने ही वाली है, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो चुका है सुबह होने वाली, बिकॉज सुबह हो ही चुकी है गाइस। तो अभी हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं घर के लिए। तो यहाँ से निकालता हूँ मैं गाड़ी और भाई चलते हैं सीधा अपने घर पर, और जल्दी से नहाएंगे और फिर हम लोग हो जाएंगे रेडी कैरिन से मिलने के लिए। तो कैरिन भाई हमारा ज़्यादा वेट ना करे, मतलब उसको वेट करना ना पड़े। मैं जल्दी से पहुँचता हूँ घर पर सीधा। ओके, तो अभी फिर से हम लोग आ चुके हैं भाई हमारी कम्युनिटी में। और भाई सॉरी 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 भाई साहब, दो एक्सीडेंट हो चुके हैं मुझसे ज़बरदस्त तरीके से भाई, जल्दी के चक्कर में होता है सब कुछ। तो भाई थोड़ा सा धीरे चलेंगे हम लोग, जैसे क्या चलेंगे, हम लोग घर पे आ चुके हैं। और भाई हमारी जो दोनों डिफेंडर थी वो जा चुकी है सर्विसिंग के लिए, मतलब एक सर्विसिंग के लिए गई है और एक मॉडिफिकेशन के लिए गई है। तो अभी मैं जल्दी से घर आ गया हूँ, तो जल्दी से करता हूँ मैं अपने कपड़े चेंज और नहाता हूँ, बिकॉज हमें होना जल्दी से रेडी। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं नहाने के मूड में और हम लोग सीधा स्विमिंग पूल में जंप लगाएंगे। 1 2 3 ओह वाओ, तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई स्विमिंग पूल के अंदर नहाने के लिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से नहाते हैं, बिकॉज मैं बहुत दिनों से नहाया नहीं हूँ। तो जल्दी से नहाते हैं और रेडी होते हैं भाई हम लोग, कैरिन से मिलने जाना है मुझे बिना किसी देरी के। हाँ भाई, हमारा काम एक तरफ है, पर भाई कैरिन हमारी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं होता हूँ रेडी जल्दी से जाके। उधर अंदर से होता है भाई कपड़े, सूट वूट तैयार करना है मुझे, सूट पहन के चलूँगा मैं। ओके, तभी सूट हो चुका है रेडी और भाई हमारा ब्राउन मुंडे हो चुके हैं हम लोग भाई, देख रहे हो, मैच मैच कलर के जूते भाई, बिल्कुल वैसी हमने टी शर्ट पहन रखी है और जैकेट भी वैसी डाली है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, लैम्बोर्गिनी से नहीं जाएंगे हम लोग जाएंगे हमारी यही वाली गाड़ी से। यार ये गाड़ी अच्छी लगती है मुझे, थोड़ी सी VIP वाली लुक देती है, पता नहीं क्यों मुझे लैम्बोर्गिनी इतनी VIP नहीं लगती है। तो अभी मुझे गाड़ी बिल्कुल आराम से निकालना है, मैं हर बार अपने गेट को तोड़ देता हूँ बट इस बार नहीं तोड़ूंगा, इस बार बिल्कुल आराम से निकालूंगा। ओके भाई, बहुत ही प्यार से निकाली थी मैंने, बट बीच में ये गाड़ी वाला आ गया और भाई इसका हो चुका है एक्सीडेंट। तो भाई कल से लेके आज तक हम लोग 3 हत्याएं कर दी हैं कैरिन से मिलने के चक्कर में, मतलब देख रहे हो कैरिन से मिलना कितना ज़्यादा डेंजर है। तो भाई 3 लोगों को मार चुका हूँ। ओ भाई साहब, पुलिस वाला बच गया बाल बाल, वरना उसके कट के चक्कर में उसके लग जाते हैं। तो मैंने फिर से गाड़ी ठोक दी है। तो भाई ठोका ठोक PT में बंद करता हूँ और जल्दी से पहुँचता हूँ कैरिन के पास में, तो वहीं मिलते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ भाई कैरिन के पास में और यहाँ की पार्किंग में हम लोग हमारी गाड़ी को अच्छे से पार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी लगा दी है आराम से, अभी हम लोग जाते हैं। भाई ये गाड़ी कितनी तगड़ी है यार, देख रहे हो,
इससे तो मैं मिलूंगा बाद में, पहले हम लोग मिल लेते हैं कैरिन से, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। I keep thinking about Frank, and you know what keeps nagging at me? What's that? That he just gets away with it. That he's worked the system so no one can touch him. We try to hurt him, but it never sticks. Sense and a plan. Frank has an anger problem, right? I'm thinking, maybe one afternoon, he comes home and loses it. Wrecks his house and takes it out on those nearest and dearest. Then, some innocent bystander calls and tips off the press. Says, when is this violence going to end? The only industry in this town Frank doesn't own. Exactly. The cops will be forced to do something with the public watching. Do you think you could break in and do the job? Sure. Okay, guys, तो अभी ना यार कैरिन से बात हो चुकी है और कैरिन का कहना है कि हमें जाके फ्रैंक के घर को उड़ाना है, मतलब थोड़ा सा उसको वो गोलीबारी करनी है, वहाँ के गार्ड्स को मारना है और थोड़ा सा भाई तो वॉयलेंस क्रिएट करना है, और फिर मुझे मीडिया को कॉल करके कहना है कि भाई हमारी सिटी से ये जो वॉयलेंस है ये कब ख़त्म होगा। तो भाई प्लान तो काफ़ी प्यारा लग रहा है मुझे, तो भाई मुझे तो फ्रैंक को नुकसान पहुँचाने बड़ा मज़ा आता है, बट अभी ये गाड़ी में लूँगा तो पता है मुझे कि मेरे पीछे पुलिस लग जाएगी और भाई बहुत ज़्यादा ड्रामा हो जाएगा, तो मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। अभी मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फ्रैंक विलियानो को मज़े चखाने में आएगा। तो भाई हमारे बहुत सारे बदले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, उसको हम लोग याद करके उसको याद तो नहीं करेंगे, उसको सीधी सी बात नुकसान पहुँचाएंगे अब हम लोग उस याद करके क्या ही मतलब भाई कैरिन को उसने किडनैप किया और उसकी वजह से भाई जो वीरा थी उसकी डेथ हुई है और भाई पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम को उन्हें फेस किया है भाई, सभी का बदला हम लोग आज लेने वाले हैं भाई। आज तो नहीं होगा क्योंकि सभी का बदला हम लोग फ्रैंक को जिस दिन मारेंगे ना उसी दिन क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे दिक्कत वाली कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं वाली, क्योंकि हमने यहाँ के जो मेयर था जिसकी बहुत ज़्यादा पहुँच थी उसको हमने पहले ही टपका दिया है। अभी मैं जल्दी से जाता हूँ फ्रैंक के घर पर और भाई जो हमें कैरिन ने बताया वैसा हम लोग प्लान करते हैं। तो यार अभी तो फ्रैंक विलियानो घर पर होगा नहीं, बिकॉज वो होगा बाहर जैसा कि उसका सारा सिस्टम चलता रहता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ फ्रैंक विलियानो के घर पे और मुझे गाड़ी यहीं पार्क नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा आगे पार्क कर देना चाहिए वरना गाड़ी अपनी, ओ भाई साहब एक्सीडेंट हो गया यार, पुलिस की गाड़ी हो चुकी है। ओके गाइस, तो मैं पुलिस से तो पीछे छुड़वा के आ चुका हूँ, बट मैं अपनी गाड़ी को आगे वाली पार्किंग में पार्क कर देता हूँ जिससे कि भाई अपनी गाड़ी लावारिस हो जाएगी, यानी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ी किसकी है, हो सकता है किसी की पार्किंग पड़ी होगी, इसलिए किसी को मुझ पर शक ना हो। इसके लिए मैं अपनी गाड़ी को यहीं पे पार्क कर देता हूँ और भाई यहाँ से सीधा निकलता हूँ फ्रैंक विलियानो के घर में घुसते हैं हम लोग और भाई फ्रैंक के इस घर को बर्बाद करते हैं। तो भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ अंदर। सबसे पहले तो भाई मुझे वेपन जो यहाँ पे रखा हुआ है, एक एंड वेपन नहीं वो है जो कि मुझे यहाँ से लेना है, अब शायद गन ही हो सकती है वेपन में तो पता नहीं, और बम बम कुछ भी हो सकता है मुझे तो पता नहीं है, बट ठीक है जो भी अभी देख लेते हैं। तो अभी भी नीचे जाना है मुझे और नीचे कहीं पे रखी हुई है वो, सामने रखी हुई, तभी मैं यहीं से जंप लगा देता हूँ नीचे के लिए। ओके तो मैं नीचे आ चुका हूँ और अभी मुझे कहाँ दिख रहा है, ओके भाई ऊपर जाना है यहाँ पे, चलो यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई है तो मैं सीढ़ी से ऊपर जाता हूँ सीधा सीढ़ी से, और भाई जो वेपन है वो चुराता हूँ। भाई कौन सा वेपन है यहाँ पे, यहाँ पे कोई सा वेपन रखा हुआ है? ओके यहाँ पे मुझे, ओके भाई ये गन ही थी एक और मुझे गन मिल चुकी है भाई अपने हाथों में। अभी भाई गन लेके सीधा जाना है मुझे तबाही मचाने के लिए और फ्रैंक विलियानो से बदला लेने के लिए। तो अब मैं यहाँ लगाता हूँ जंप और हम लोग चलते हैं सीधा फ्रैंक विलियानो के घर में और भाई उसको घर में घुस के मारेंगे फ्रैंक को नहीं भाई गार्ड्स को, ये रहा भाई गार्ड हो। बट यार ये गन काफ़ी ख़राब सी लग रही है, मतलब इसका जो टाइम नहीं लग रहा है मुझे ढंग से यार, पर चलो जो भी अच्छी जगह काफ़ी चल रही है। तो फ्रैंक से सारे हमारे बदले जो हैं वो हम पूरे करेंगे भाई, उसने जितनी भी हमें तकलीफें दी थी ना वो सारी आज बराबर कर दी जाएगी फ्रैंक से बदला लेके। ओके तो भाई वो बोल रहा है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये मुझे पता है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जभी तो मैं घुस के आया हूँ ना यार इधर, फ्रैंक विलियानो की प्राइवेट प्रॉपर्टी है मुझे पता है ये चीज़। तो अभी तभी तो मारेगा क्या ना, तेज चल रहा है उसने मुझे आके मारा उधर, ये खतर यहाँ से। तो अभी भाई यहाँ के गार्ड्स तो मर चुके हैं और गार्ड्स उधर से आ रहे हैं, आ जाओ सब आ जाओ, उसको मारूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। अगर तुम लोग अगर इनसे एक कोई जिंदा भी रहेगा तो उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि वो बता सकते हैं भाई कि यहाँ पर हमला किसने किया था, क्योंकि सारे लोग मुझे जानते हैं क्योंकि हम लोग पहले फ्रैंक के लिए भी काम करते थे, यहाँ का जितना भी स्टाफ है और यहाँ के जितने भी गार्ड्स हैं वो मुझे जानते हैं, इसलिए मुझे सबको मारना होगा प्रॉपर वरना दिक्कत हो सकती है मेरे लिए।
तो अभी मुझे नीचे जाना है भाई, यहाँ पे कुछ करना है मुझे, पर क्या वो मुझे पता नहीं है। तो अभी मुझे नीचे जाना है, नीचे कुछ है शायद। ओके, ये तो फ्रैंक बिलियानो की बोट है शायद, ये फ्रैंक बिलियानो है क्या? नहीं 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 नहीं, गार्ड, ओके तीन गार्ड सामने खड़े हैं। सबसे पहले तो इनका गेम बजा देता हूँ मैं, भाई साहब मैं एक साथ तीनों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है। ओके चल, एक गया, दो गए, तीसरा लास्ट वाला बचा हुआ है भाई, क्या खा के आया है, चलो मर गया। तो अभी मुझे ओके फ्रैंक की बोट को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि फ्रैंक को अपनी बोट से बहुत लगाव है। और अगर आप लोगों का याद हो तो ये बोट हम ही चुरा के लाए थे फ्रैंक के लिए। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो बढ़िया है, और नहीं देखी है तो जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये बोट हम ही चुरा के लाए थे भाई फ्रैंक के लिए। और अभी मैं वापस आ चुका हूँ ऊपर, और ऊपर अभी मुझे और आगे जाना है, पर मुझे आगे कहीं गार्ड तो नहीं लग रहे, दिख रहे हैं। ओके मुझे यहाँ पर आना है, और शायद मेरे पास जो बम बम लगाना है मुझे यहाँ पर। ओके तो मैंने आग लगा दी गई थी यहाँ पर, और अभी भाई मज़ा आएगा ना थोड़ा सा फ्रैंक को, भाई उसके घर की क्या हालत कर दी गई है। तो अभी भाई मुझे जाना है वापस से आगे, और भाई देख रहे हो फ्रैंक के घर कितना बड़ा है भाई, और कितनी ज़्यादा उसके सामने सुविधाएं हो रखी है, कितना बड़ा बंदा है वो। तो अभी भाई ओ हो भाई, ये इसका घर है, और भाई दो दो सुपर कार्स देख रहे हो, और कितने सारे बंदे खड़े हैं। इसका मतलब फ्रैंक घर पर होना चाहिए यार, इतने सारे लोग हैं, पर उसकी वो नहीं है भाई। यहाँ पर जो उसकी लिमोजिन है, लिमोजिन नहीं रखी हुई है भाई, लिमोजिन होती है मतलब फ्रैंक घर पे होता, बड़ा फ्रैंक घर पे नहीं है क्योंकि उसकी लिमोजिन यहाँ पर नहीं है, सिर्फ सुपर कार रखी हुई है। तो अभी सारे गार्ड्स आ चुके हैं भाई, इतने सेल्फी लेने के लिए सेल्फी सबको सबके साथ खींचूँगा यार मैं, चिंता मत करो तुम लोग। ओके तो सब लोग मर चुके हैं, बट मुझे इनकी डिस्ट्रॉय भी करना है लग्जरी गाड़ियों को भाई। पहले फ्रैंक की गाड़ी गई भाई, फ्रैंक को ये देख काफ़ी ज़्यादा झटका लगने वाला है कि भाई उसकी सारी प्रॉपर्टी को जो है मैंने तहस नहस कर दिया है। पहले वो समझ तो जाएगा कि ये सब काम मेरा है, पर हमें तो भाई मज़े लेने हैं ना यार, सीधी बात तो ये है, उसको पता लगना चाहिए किसने किया है। तो भाई मैंने कॉल भी कर दिया है उसको, भाई पुलिस देख रहे हो कितनी सारी जा रही है यहाँ से, मुझे यहाँ से जल्दी भागना है। और ओके भाई पुलिस मेरे पीछे लग चुकी है, मुझे गाड़ी देखना है जल्दी से और गाड़ी पकड़ के निकलना है। भाई रुक जाओ कोई तो, हेलो लिफ्ट दे दो यार कोई कोई। ओ भाई साहब गन तान दी भाई इसने मेरे पे, अब तो इसमें बैठ सकता हूँ। ओ नहीं अब फायरिंग हो गई यार, अब तो दिक्कत वाली बात भाई साहब, भाई इतने बड़े गैंगस्टर को ठोक के चला गया यार भाई, क्या हो रहा है ये, लिफ्ट नहीं मिल रही। चलो भाई पुलिस की गाड़ी उठाता हूँ, पुलिस की गाड़ी भाई, फरारी लैम्बोर्गिनी वाला बंदा क्या कर रहा है। चलो भाई अभी गाड़ी मुझे मिल गई, अब ये लोग मुझे नहीं पकड़ सकते भाई। देख रहे हो भाई कितनी स्पीड से गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पे, जैसी गोलीबारी होती ना भाई, यहाँ के लोग ऐसे हैं कि सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं भाई, इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। ये से हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है कभी कभी, हर बार तो नहीं कभी कभी। तो अभी मुझे निकालना है सीधा गाड़ी लगी, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो सकता है। और भाई कैरी ने हमें बहुत ज़्यादा भरोसा करके ये हमें प्लान बताया था, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकल जाना है दूर, ताकि पुलिस वालों के हत्थे में ना चढ़ूँ। वैसे तो मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, और फाइनली पुलिस की मैं पहुँच से बहुत दूर आ चुका हूँ भाई, और अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो अभी निकलता हूँ। तो आज का काम हो चुका है यार, और अब हमें देखना है आखिर कल वेगा सिटी में होता क्या है। तो आज की वीडियो में वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर